आपको मान लो दो ब्लॉक्स गिवन है और दो ब्लॉक्स के बीच में कुछ ऐसे गिवन है कि मान लो ये फर्स्ट ब्लॉक है, पहला ब्लॉक है, पहले ब्लॉक के साथ दूसरा ब्लॉक है, अटैच नहीं है, चिपका नहीं हुआ, जैसे ये ब्लॉक बक्सा रखा हुआ है, दो बक्से हैं। मैंने यहां से पीछे से फोर्स लगाई इसके ऊपर 100 न्यूटन, ये मान लो 10 kg का ब्लॉक है, ये मान लो 5 kg का ब्लॉक है और मैंने ऐसी कोई फोर्स लगाई, राइट, क्लियर है यहां तक? तो जब 100 न्यूटन की फोर्स यहां लगेगी तो 10 kg पे लगेगी, 10 kg 5 kg को पुश करेगा और दोनों इकट्ठे ऐसे मूव करेंगे, ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक है यहां तक? तो इस तरीके से मूवमेंट होगी। नेक्स्ट है 10 kg का ब्लॉक 5 kg के ब्लॉक पे फोर्स लगाएगा, तो बदले में 5 kg का ब्लॉक भी 10 kg के ब्लॉक पे फोर्स लगाएगा, ये भी क्लियर है यहां तक? तो ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा तो बदले में इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, और कहां लगाएगा? चिपके तो हुए नहीं है पर इसको खिसकना तो पड़ेगा साथ में, अंदर दीवार पे, इनके कॉन्टैक्ट पॉइंट पर। वो कॉन्टैक्ट पॉइंट क्या है? ये कॉमन पॉइंट है, ये कॉमन वॉल है। कॉमन वॉल के ऊपर कैसे फोर्स लगेगी? ऐसी फोर्स लगेगी 10 kg 5 kg को पुश करेगा तो बदले में 5 kg भी 10 kg को इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाएगा। मान लो वो फोर्स है एफ, टेंशन नहीं है, टेंशन रस्सी में होती है सिर्फ, कॉन्टैक्ट फोर्स एफ है। तो आपको इस केस में कॉन्टैक्ट फोर्स निकालनी है कितनी, एफ, ये आपको निकालना है, ये क्वेश्चन है। ठीक है यहां तक? बस ये बताओ कि ये सिस्टम मूव कहां करेगा, ये मूव करेगा टुवर्ड्स राइट विद एन एक्सेलरेशन ऑफ ए। डायग्राम क्लियर है यहां तक? आपको एफ निकालना है, तो एफ निकालने के लिए आप क्या ड्रॉ करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम में सपोज करो ये आपके पास 10 kg का ब्लॉक है, 10 kg का ब्लॉक है, और फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब 5 kg के ब्लॉक का डायग्राम अलग बनाना। तो ये क्या है, ये 5 kg है, ये क्या है, ये 10 kg है, 10 kg 5 kg। इसके राइट की तरफ फोर्स कितनी है, 100 न्यूटन, 100 न्यूटन, राइट। 10 kg का ब्लॉक और इसकी मूवमेंट कहां है, राइट विद एन एक्सेलरेशन ऑफ ए, और इसकी भी कहां है, ए। कंफ्यूजन ये होती है कि एफ फोर्स का वेक्टर ऊपर वाला इस यहां लगाएं या यहां लगाएं, मतलब इन दो ब्लॉक्स में से एक एफ एक रखेगा, एक एफ दूसरा रखेगा, कि एक्शन रिएक्शन अलग अलग बॉडीज पे लगा हुआ है। तो कैसे डिसाइड करें, पहला मेथड, 10 kg के ब्लॉक ने 5 kg के ब्लॉक को आगे धक्का मारा, तो बदले में 5 kg ने 10 kg को उल्टा धक्का मारा, तो 10 kg के ब्लॉक को फोर्स कहां लगी, एग्जैक्टली ऑपोजिट लगा, 5 kg ने यहां मारना है और 10 kg ने कहां धक्का मारना है, फोर्स लगानी है आगे की तरफ, क्लियर है? ये तो चलो एक थ्योरेटिकल तरीका है, अगर और कंफ्यूजन हो रही है कोई बात नहीं, आप बस ये बताओ 5 kg का ब्लॉक कहां मूव करेगा, राइट, यार कोई तो फोर्स चाहिए होगी राइट मूव करवाने के लिए, और वो फोर्स क्या होगी, एफ। तो राइट वाला वेक्टर लगेगा तभी राइट मूवमेंट मूवमेंट होगी, तो यानी कि राइट वाला वेक्टर एफ इसको मिलेगा तो लेफ्ट वाला इसे मिलेगा, क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो फिर बताओ इसमें ये बॉडी राइट मूव कर रही है तो 100 न्यूटन की फोर्स बड़ी और एफ छोटी, 100 माइनस एफ इज इक्वल टू 10 इंटू ए फर्स्ट इक्वेशन, क्या ये पॉइंट क्लियर है? और दूसरी इक्वेशन एफ इज इक्वल टू 5 इंटू ए दूसरी इक्वेशन, तो 100 माइनस एफ इज इक्वल टू 10 इंटू ए, एफ इज इक्वल टू 5 इंटू ए, अगर मैंने ऐड करूंगा एफ से एफ कैंसिल, अगर नहीं होगा मतलब मैंने गलत किया है, तो आंसर क्या आएगा, 100 इज इक्वल टू कितना, 15 ए, ए की वैल्यू क्या आएगी, 100 डिवाइडेड बाय 15, ए आ गया तो टी एफ भी आ जाएगा, डन। मेथड समझ में आ रहा है कि कैसे सोचना है इसमें, क्लियर है यहां तक? अच्छा, फिर क्वेश्चन आप करेंगे ट्राई, आप प्लीज इस क्वेश्चन को ट्राई करें। सपोज आपके पास ये एक ब्लॉक है और ये दूसरा ब्लॉक है, पहला ब्लॉक है और दूसरा ब्लॉक है, इसके ऊपर फोर्स और इसके ऊपर फोर्स मैं आपको दे रहा हूं, मान लो ये फोर्स है 100 न्यूटन, मान लो ये फोर्स है 200 न्यूटन, या मान लो सिर्फ 20 न्यूटन, ये मान लो 5 kg है, ये मान लो 2 kg है, आपको इसमें कॉन्टैक्ट फोर्स बतानी है, इनके बीच में कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होगी यहां पे, ठीक। तो फाइंड कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन टू ब्लॉक्स, ये क्वेश्चन है।
क्योंकि ए में करना क्या है बता के, ए की वैल्यू बड़ी फोर्स 100 माइनस 20 कितना 80 डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना 7, तो पेन को हाथ में ही लगाना है, ये तो वैसे भी आ गया। तो करना क्या है, एफ निकालना है, तो इसमें एफ निकालना है। तो एफ निकालने के लिए 5 kg के ब्लॉक ने 2 kg ब्लॉक को पुश किया तो बदले में रिएक्शन लगा, तो ये फोर्स अगर एफ है तो ये फोर्स भी एफ है, ठीक है। तो अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं पहले ब्लॉक का, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं दूसरे ब्लॉक का, तो इसके अंदर क्या है 5 kg, इसके अंदर क्या है 2 kg, यहाँ पर फोर्स क्या है 20 न्यूटन, यहाँ पर फोर्स क्या है 100 न्यूटन, ऐसे 100 न्यूटन। अब क्योंकि पूरा सिस्टम कैसे मूव करेगा टुवर्ड्स राइट विद एन एक्सलेशन ऑफ ए, तो ये भी मूव करेगा राइट विद एन एक्सलेशन ऑफ ए, ये भी मूव करेगा राइट विद एन एक्सलेशन ऑफ ए। क्लियर है यहां तक, ए एंड ए क्लियर है। अब 5 kg का ब्लॉक 2 kg को पुश करेगा कितनी फोर्स के साथ एफ, तो बदले में 2 kg भी क्या करेगा एफ, ठीक है। डायग्राम क्लियर है, ये ब्लॉक कहां जा रहा है, मैंने हाँ ये ब्लॉक कहां जा रहा है राइट, तो इक्वेशन बोलो 100 माइनस एफ इज 5 into a, बड़ी में से छोटी फोर्स इज 5 into a। इस केस में क्या होगा एफ माइनस 20 इज इक्वल टू 2 into a, तो बड़ी फोर्स माइनस छोटी फोर्स इज m into a। इन्हें अगर हम ऐड कर दें एफ से एफ कैंसल, तो 100 माइनस 20 इज 7a, तो ए की वैल्यू क्या आएगी 80 डिवाइडेड बाय, ए को कहीं भी पुट कर दें तो किसकी वैल्यू आ जाएगी एफ की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड, जो कि कितनी आ रही है 300 डिवाइडेड बाय 7 न्यूटन आंसर। मेथड समझ में आ रहा है, क्लियर है यहां तक, कॉन्टैक्ट फोर्स ब्लॉक्स के बीच में कैसे निकलेंगे क्लियर है। इसी के अंदर सपोज करो क्वेश्चन है, इस बार आपको 2 ब्लॉक्स की बजाय मैं आपको 3 ब्लॉक्स दे रहा हूं, पहला दूसरा और तीसरा, ठीक है। तो ये मान लो 10 kg है, ये मान लो 5 kg है, ये मान लो 2 kg है, और यहां पर फोर्स मैं लगा रहा हूं 100 न्यूटन, तो आपको कॉन्टैक्ट फोर्स यहां भी निकालनी है और आपको कॉन्टैक्ट फोर्स यहां भी निकालनी है, ये क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले कॉन्टैक्ट फोर्स 10 kg ने 5 kg के ऊपर फोर्स लगाई एफ, तो 5 kg ने बदले में फोर्स लगाई एफ, इक्वल एंड ऑपोजिट,
फाइव के जी ने टू के जी के ऊपर कॉन्टैक्ट फोर्स लगाई एफ डैश, तो टू के जी ने फाइव के जी के ऊपर कॉन्टैक्ट फोर्स लगाई एफ डैश, सेम नहीं होगी, ऐसा नहीं होगा, ये एफ एंड एफ, ये भी एफ एंड एफ नहीं, अलग अलग होगी। क्यों अलग अलग होगी? क्योंकि यहां पर इस कॉन्टैक्ट पे 15 किलो ने 2 केजी को पुश करना है और इस कॉन्टैक्ट पे 10 केजी ने 7 केजी को पुश करना है, तो देखो फर्क है मासेस में, तो कॉन्टैक्ट फोर्स भी डिफरेंट लगेगी, राइट? क्लियर है? आप ऐसा भी इमेजिन कर सकते हैं, आप लाइन बना के बैठ जाएं एक नीचे, और मान लो पीछे एक स्टूडेंट को मैं धक्का मारता हूँ पीछे की तरफ, तभी मैं चाहता हूँ पूरी की लाइन आगे जाए, तो सबसे जोर पहले स्टूडेंट पे लगने वाला है, दूसरे पे थोड़ा कम, तीसरे पे कम, आखिरी कह रहा है यार जोर भी लगा दो यार मैं भी आगे जाऊँ, तो यानी कि कॉन्टैक्ट फोर्स कम होती जाएगी जितनी आप दूर जाते जाएंगे, ऐसे एक्सपीरियंस होएगा। तो ऐसे ही कुछ इसमें हो रहा है। तो इसके अंदर जब फ्री बॉडी डायग्राम की बात करेंगे तो एक, दो और तीन, तीन ब्लॉक्स हैं, तीनों कहाँ मूव कर रहे हैं? टूवर्ड्स राइट मूव कर रहे हैं कुछ इस तरीके से। तो एक्सेलेरेशन की वैल्यू क्या है इसमें? ए, यहाँ पर फोर्स क्या है? 100 न्यूटन, और ये क्या है? 10 केजी, और यहाँ पर क्या है फोर्स? एफ। यहाँ पर फोर्स क्या है? एफ। यहाँ पर फोर्स क्या है? एफ डैश। तो ये है 5 केजी, और ऐसे ही एक्सेलेरेशन तीनों की एग्जैक्टली सेम, और यहाँ पर फोर्स क्या है? एफ, और ये मास 2 है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो कि 2 केजी को राइट मूव करना है तो इसको एफ चाहिए, तो इसको लेफ्ट मिलेगा, ये एफ डैश आएगा रादर, और ऐसे ही 10 केजी ने 5 केजी को लगाया, 5 केजी ने 10 केजी को, तो क्योंकि राइट मूव कर रहा है तो 100 माइनस एफ इज 10 इंटू ए फर्स्ट इक्वेशन। राइट मूव कर रहा है तो एफ बड़ा है, एफ डैश छोटा है, इज मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहां पर एफ डैश इज इक्वल टू 2 इंटू ए आंसर। इन तीनों को ऐड करेंगे तो ए आएगा, ए आएगा तो एफ आएगा, एफ आएगा तो एफ डैश आएगा, सॉल्व करते रहना आंसर आएगा। क्लियर है यहां तक? जो भी आंसर आएगा वो कर लेना ट्राई। अब ये क्वेश्चन मैंने आपके शीट में किया हुआ है, करके दिखाया है, दो ब्लॉक्स तीन ब्लॉक्स, क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें?